आमिर खान भारत के एक प्रसिद्ध एक्टर, निर्माता और निर्देशक हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्मों में कार्य किया हुआ है। इनका नाम भारत के बेहतरीन कलाकारों में शुमार है और ये युवाओं के साथ साथ हर वर्ग के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। इन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से भी पुकारा जाता है और दुनिया भर में प्रसिद्ध आमिर खान के फैंस की संख्या करोड़ों में है। आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव ने हाल ही में एक दूसरे से तलाक ले लिया है। ये खबर सभी के लिए बहुत ही चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये उन्होंने मीडिया के सामने भी कई बार जताया है, लेकिन दोनों ने आपसी सहमति के साथ हाल ही में तलाक ले लिया है। तलाक लेने के बाद दोनों का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे कहते नजर आए कि वे भले ही रिश्ते से अलग हो गए हैं, लेकिन वे एक परिवार हैं और हमेशा रहेंगे। वे अब आगे की लाइफ एक माता पिता के रूप में जिएंगे, यानी वे दोनों पति पत्नी की तरह नहीं, लेकिन एक परिवार और एक पेरेंट्स की तरह रहेंगे। इस फैसले के बाद आमिर के खास दोस्त अमीन हाजी ने कहा कि आमिर और किरण ने यह फैसला बहुत पहले ही ले लिया था, किंतु इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा अभी की गई है। उनका कहना था कि उन्होंने आमिर और किरण को बहुत समझाने की कोशिश की कि वे तलाक न ले, लेकिन वे नहीं माने और तलाक ले लिया। आमिर खान का जन्म और शिक्षा। आमिर खान का जन्म भारत के महाराष्ट्र राज्य में सन 1965 में हुआ था। 14 मार्च के दिन जन्मे आमिर खान ने केवल 12वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई कर रखी है और इन्होंने अपनी ये शिक्षा मुंबई से हासिल की है। आमिर खान का परिवार। इनके पापा का नाम ताहिर हुसैन है, जो कि एक निर्माता हुआ करते थे, और इनकी माँ का नाम जीनत हुसैन है। आमिर खान के कुल एक भाई और दो बहनें हैं और ये अपने भाई बहन माँ सबसे बड़े हैं। आमिर के छोटे भाई ने भी कुछ फिल्मों में काम कर रखा है और उनका नाम फैजल खान है। इनकी एक बड़ी दीदी का नाम फरहत खान है, जबकि दूसरी दीदी का निखत खान है, जो कि एक फिल्म निर्माता है। आमिर खान की लव लाइफ। रीना दत्ता से किया पहला विवाह। आमिर खान ने अपने जीवन काल में दो शादियां कर रखी हैं। इन्होंने अपनी पहली शादी साल 1986 में की थी, जो कि साल 2002 तक चली थी, और इनकी पहली पत्नी का नाम रीना दत्ता है, जो कि एक हिंदू है। अपनी पहली शादी से इनको कुल दो बच्चे हुए थे, जिनमें से लड़के का नाम जुनैद खान है और लड़की का नाम इरा खान है। साल 2005 में की दूसरी शादी। आमिर खान ने अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के 3 साल बाद यानी 2005 में दूसरा विवाह कर लिया था, और इनकी दूसरी पत्नी का नाम किरण राव है, जो कि एक फिल्म निर्माता है। इन दोनों की मुलाकात लगान मूवी के दौरान हुई थी, जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली थी और इस शादी से इन्हें एक बच्चा भी है, जिसका नाम आजाद राव खान है। आमिर खान का फिल्मी करियर। बाल कलाकार के रूप में की दो फिल्में। आमिर खान ने अपने बचपन के दिनों में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और इन्होंने 8 वर्ष की आयु में अपने करियर की पहली फिल्म की थी, जो कि साल 1976 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम यादों की बारात था। साल 1974 में आमिर खान को एक और फिल्म में कार्य करने का अवसर मिला था। ये फिल्म इनके पिता द्वारा बनाई गई थी और मधोश नामक इस फिल्म में इन्होंने महेंद्र संधू के बचपन का किरदार निभाया था। साल 1984 में मिली लीड रोल के तौर पर फिल्म। आमिर खान एक सहायक निर्देशक के रूप में कार्य करने के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में अभिनय भी किया करते थे और इसी दौरान आमिर खान को उनके करियर की बतौर लीड रोल पहली फिल्म ऑफर की गई थी, जिसका नाम होली था। इस फिल्म को केतन मेहता द्वारा निर्देशित किया गया था। हालांकि ये फिल्म भारत में इतनी कामयाब नहीं हो सकी थी, लेकिन आमिर खान के अभिनय को काफी पसंद किया गया था। साल 1988 में दी पहली हिट फिल्म होली। फिल्म में आमिर खान द्वारा की कई परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें कयामत से कयामत तक फिल्म ऑफर की गई थी और प्रेम कहानी पर आधारित ये फिल्म आमिर के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई थी। ये मूवी साल 1988 में आई थी और इस मूवी में इनके अलावा मुख्य किरदार में जूही चावला थी। इस फिल्म ने कई अवार्ड अपने नाम भी किए थे। कयामत से कयामत तक के बाद दी कई फ्लॉप फिल्में। कयामत से कयामत तक फिल्म के जरिए आमिर खान एक जाने माने अभिनेता बन चुके थे और इस फिल्म के बाद इन्होंने कई फिल्मों में कार्य किया था, मगर इनकी ये सारी मूवी कुछ कमाल नहीं कर पाई और ये सारी मूवीज नाकाम साबित हुई। इस तरह से आमिर खान ने 1990 दशक में कई फ्लॉप फिल्म में काम किया और इन फिल्मों के नाम इस प्रकार है: राख 1989, लव 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 1989, अव्वल नंबर 1990, तुम मेरे हो 1990, दीवाना मुझसा नहीं 1990, जवानी जिंदाबाद 1990। साल 2005 में फिर की वापसी। 4 साल तक फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद आमिर खान ने एक बार फिर से फिल्मी दुनिया में मंगल पांडे राइजिंग प्लेन नामक फिल्म से वापसी की। इस फिल्म के बाद आमिर ने रंग दे बसंती, फना, तारे जमीन पर, गजनी जैसी फिल्मों में काम किया था और ये सारी फिल्म हिट साबित हुई थी।
आमिर खान के साथ जुड़ी मुख्य बातें। इनके पिता ने कई फिल्मों को प्रोड्यूसर किया था, लेकिन इनके द्वारा प्रोड्यूसर की गई लगभग हर फिल्म फ्लॉप ही साबित हुई थी, जिसके कारण आमिर के शुरुआती दिन काफी संघर्ष भरे रहे हैं। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आमिर खान बॉलीवुड में अपना करियर बनाने में लग गए थे, जिसके कारण इन्होंने 12वीं कक्षा के आगे की पढ़ाई नहीं की थी। हालांकि आमिर के माता पिता चाहते थे कि वो फिल्मों में अपना करियर ना बनाकर पढ़ाई पर ध्यान दें। आमिर खान ने निर्देशक नासिर हुसैन के साथ बतौर सहायक निर्देशक के रूप में भी कार्य किया हुआ है और हुसैन के साथ मिलकर इन्होंने मंजिल और जबरदस्त नामक फिल्मों का निर्देशन किया है। अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में आमिर खान ने अपने अभिनय को और बेहतर करने के लिए अवांतर नामक एक थिएटर में भी कार्य किया था। इस थिएटर के साथ जुड़कर आमिर खान ने कई नाटकों में छोटे से रोल किए थे। साल 2012 में आमिर खान को भारतीय संसद में एक संसदीय पैनल को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था और आमिर खान ने दवा क्षेत्र में FDI पर अपने विचार प्रकट किए थे। किरण राव से शादी करने से पहले आमिर मांसाहारी हुआ करते थे, लेकिन अपनी दूसरी शादी के कुछ सालों बाद आमिर खान ने मांस खाना बंद कर दिया था। आमिर खान के साथ जुड़े विवाद। आमिर और जेसिका का बेटा जान, आमिर का नाम ब्रिटिश मूल से नाता रखने वाली जेसिका हाइंस के साथ जोड़ा गया था और कहा जाता है कि ये दोनों कई समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान ही जेसिका गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद आमिर ने जेसिका से दूरी बना ली थी और जेसिका के बच्चे को अपना नाम देने से मना कर दिया था। मगर आमिर खान के इस फैसले के बाद भी जेसिका ने अपने बच्चे को जन्म दिया और अपने बच्चे का नाम जान रखा। आमिर खान की कुल संपत्ति। आमिर खान भारत के सबसे महंगे अभिनेता हैं, जो कि एक फिल्म करने के लिए करीब 60 करोड़ रुपए लिया करते हैं और इस वक्त इनके पास करीब 1300 करोड़ की कुल संपत्ति है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक याद से कर ले, ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।